नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 4 जून 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ VYPL 2021 के फेज 2 को लेकर BCCI ऑफिशियल्स की तरफ से आप सभी IPL फैंस के लिए दो बहुत ही बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के शेड्यूल और स्कोर्स के अनाउंसमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर सभी क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रहा है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए बिना समय गुवाए अब हम बात कर लेते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई जुलाई के महीने में भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और श्रीलंका आपस में 8 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज होने वाली है। काफी रोमांचक और शानदार ये दौरा होने वाला है और भाई सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इस दौरे के पूरे शेड्यूल और स्कोर्स के अनाउंसमेंट का इंतजार है। तो भाई कल यहां पर इस सीरीज के रिगार्डिंग हमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इसी जून मंथ के सेकंड वीक में एक BCCI की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के बाद यहां पर इस दौरे का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि BCCI ने ऑफिशियल इस दौरे की घोषणा कर दी है, लेकिन भाई अभी तक यहां पर शेड्यूल हमें देखने को नहीं मिला है। और भाई साथ ही साथ रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल कर आ रही है कि भाई पूरे शेड्यूल के साथ साथ यहां पर भारतीय टीम के स्कोर्स की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल युवा जोश हमें यहां पर श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में ही कहर बरपाता हुआ नजर आने वाला है। खैर, भारत का युवा जोश श्रीलंका पर कितना हैवी पड़ेगा उसके बारे में हम अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन भाई हम यहां पर उम्मीद करते हैं कि भाई श्रीलंका में जाकर भारतीय टीम श्रीलंकन टीम को बुरी तरह से हराएगी। हालांकि कैप्टनसी को लेकर अभी भी जंग जारी है, भुवनेश्वर कुमार का नाम यहां पर निकल कर आ रहा है, शिखर धवन का नाम यहां पर निकल कर आ रहा है, हार्दिक पांड्या भी कप्तान हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर श्रेयस अय्यर अपने इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो जाते तो भाई डेफिनेटली यहां पर श्रेयस अय्यर हमें टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं, ऐसी यहां पर आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है IPL 2021 को लेकर, जहां पर BCCI की तरफ से ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है। आधिकारिक तौर पर यह चीज कंफर्म कर दी जा चुकी है कि भाई IPL 2021 का फेज 2 हमें सितंबर अक्टूबर के महीने में UAE में देखने को मिलेगा। लेकिन भाई यहां पर T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी कुछ दिक्कतें आई थी, जिनके बारे में आप सभी लोगों को पहले बताया था, लेकिन भाई कल यहां पर IPL 2021 के बचे हुए मैचों की होस्टिंग को लेकर UAE क्रिकेट बोर्ड की तरफ से BCCI को एक लेटर मिला और कहीं ना कहीं यह लेटर सभी IPL फैंस को थोड़ा सा ज्यादा खुश करने वाला जरूर है, क्योंकि भाई यहां पर UAE क्रिकेट बोर्ड IPL 2021 के बचे हुए मैचों को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बाधा ICC बन सकती है। मैंने आप सभी को बताया था कि भाई अगर T20 वर्ल्ड कप को वहां पर शिफ्ट किया जाता है तो यहां पर थोड़े से शेड्यूल में उतार चढ़ाव जरूर करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसके मुताबिक UAE क्रिकेट बोर्ड IPL 2021 के बचे हुए मैचों को होस्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी IPL 2021 के रिगार्डिंग निकल कर आ रही है, जहां पर टीमों के पहुंचने को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमें कल देखने को मिला है। कुछ फ्रेंचाइजियों की तरफ से ऐसी रिपोर्ट मिली कि यदि यहां पर सितंबर के मिड में वहां पर मतलब UAE में IPL की शुरुआत होती है तो भाई अगस्त मंथ में थर्ड वीक में सभी टीमें वहां पर पहुंच जाएंगी, वहां पर जाने के बाद क्वारंटीन में रहेंगी और भाई कुछ दिन ट्रेनिंग भी होगी, उसके बाद यहां पर फेज 2 की शुरुआत होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुसीबत है, वो यही है कि भाई फॉरेन खिलाड़ियों को लेकर
यहां पर थोड़ा सा मसला जरूर गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि भाई काफी सारे फॉरेन खिलाड़ी आईपीएल 2021 के फेज टू के लिए शायद यहां पर अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते भाई काफी टीमों को यहां पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग 2021 को लेकर, जहां पर कोविड 19 की वजह से इस टूर्नामेंट को बीच में रोकना पड़ा था। आप सभी को पता है फेज टू इसका होने के लिए जा रहा है, और फाइनली भाई कल यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर पीएसएल 2021 के बचे हुए मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी के सभी महामुकाबले हमें अबू धाबी में देखने को मिलने वाले हैं। 9 जून से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली, और भाई 24 जून को इस टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला हमें अबू धाबी में ही देखने को मिलने वाला है। पूरा का पूरा शेड्यूल भी आउट हो चुका है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भाई पूरा का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर भाई, जहां पर फिलहाल पहला टेस्ट मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, और भाई न्यूजीलैंड की तरफ से डेविन कोनवे ने यहां पर अपना डेब्यू मैच खेला था, और डेब्यू मैच में ही उन्होंने यहां पर दोहरा शतक जड़कर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में अपने डेब्यू मैच में ही दोहरा शतक जड़ दिया है। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड यहां पर डेविन कोनवे के नाम हो गया है, और भाई इस रिकॉर्ड के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले को लेकर, जो 18 जून से 22 जून के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमें साउथहैम्पटन के मैदान पर दिखाई देने वाला है। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है, और भाई फाइनली यहां पर कल भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के मतलब इस फाइनल मैच को खेलने के लिए, और साथ ही साथ इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच चुका है। भाई साथ ही साथ यहां पर भारतीय की जो वुमेन्स टीम है वह भी टीम मतलब वो इंग्लैंड पहुंच गई, और भाई दोनों टीमें वहां पर अब अपनी अपनी सीरीजें खेलने वाली हैं। तो दोस्तों ये हैं 4 जून 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।